सर एक मिनट सर, एक मिनट। जूता अभय चौटाला ने भी उतारा था, कार्यवाही सिर्फ आपके खिलाफ होती है एक कुछ शब्दों को, जिसका मतलब जो समझ में आ रहा है कि बीपीएल कार्ड को लेकर आपने कहा था कि प्रदेश का नाम कलंकित हो रहा है, तो इसमें आपको लगता है कि जानबूझकर आपको टारगेट किया गया जिन्होंने जूता खोला? जो गरीबों के हक को लूट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गरीबों के बीपीएल के परिवारों की सुख सुविधाओं को छीन करके उनको किस चीज से महरूम किया जा रहा है, वो आवाज मैं विधानसभा में उठा रहा था। मंत्री जी ने माना कि 25 लाख लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, यही मेरा दर्द था। और मैंने जब ये कहा कि आपने हरियाणा को कलंकित किया है जो गरीबों के हक को खा रही है, तो इससे बौखला करके और विपक्ष के जो नेता ओम प्रकाश चौटाला जी जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और मेरे बारे में उनको विशेष दर्द रहता है, क्योंकि चौटाला परिवार के तमाम केसों में सीबीआई का गवाह हूं और इस तरह की गिरड़ भभकी ये विधानसभाओं में पहले भी देते रहे हैं, हमेशा मैंने इनका मुकाबला किया है, आगे भी इनका मुकाबला करेंगे। मुझे INLD या BJP की मेहरबानी से हरियाणा की विधानसभा में मैं नहीं आया हूं, मुझे मेरे इलाके के 36 बिरादरी के लोगों ने सुनकर के 5वीं दफा भेजा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना मैं जानता हूं, और जो आज गैरकानूनी और नियमों के विरुद्ध जो फैसला इस विधानसभा में हुआ है, इसकी हम चुनौती स्वीकार करते हैं, कानून से और पब्लिक से इसका जवाब देंगे। सर, जो जूते उतारने वाला जो इंसिडेंट हुआ, इस पर जूता उतारने वाला जो गीदड़ भक्की ओम प्रकाश चौटाला परिवार जो देने की और आदमियों को उनको आदत, जानते नहीं कि मुकाबला किससे है। मैंने चौटाला परिवार का हमेशा मुकाबला किया है और आगे भी इनका मुकाबला करने की तैयारी यूज की गई। आज ओम प्रकाश चौटाला के बेटे को अभय सिंह चौटाला को निकालना चाहिए था विधानसभा में, जो जूता लेकर के चल रहा है, जो प्रतिपक्ष का नेता है। लेकिन सर, विपक्ष के नेता का फर्ज था कि मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ तो मेरा साथ देता। सर, आपने जूता खोला था क्या? तो मैं और उसके लिए फूलों की माला डालता, तो मतलब दोनों तरफ से हुआ ना? हाँ, दोनों तरफ से ही होगा ना। हाँ। ऐसे वाहियात लोगों को समझाने की भाषा जो होती है वही समझाई जाएगी ना। लेकिन ये चाहे गोलियां चलाएं, चाहे कुछ भी करें, गरीबों के साथ जो इन्होंने जाति हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार और ये जो BJP के साथ मिलकर के जो ये नंगा नाच कर रहे हैं, इनकी गिरड़ भभकियों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। ये एक साल का निकालने वाला गैरकानूनी जो इनका आदेश है, ये अदालत के सामने औंधे मुंह पर पड़ेगा और हम ये पब्लिक के अंदर इनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमने पहले भी लड़ी है विधानसभा में। आज दो देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।